Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I'm your educator Arpita Pal and I welcome you all to the course in which we are discussing the previous year's questions of Indian polity of UPSC Civil Services Prelims Examination Paper 1. Till now we have dealt with the questions from 2010 to 2016. In 6 saalon ke papers hum already cover kar chuke hain. Previous lessons agar aapne nahi dekhe hain, I would recommend you तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस लेसन एज वेल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही इजिली सॉल्व हो जाते हैं. क्योंकि हम अगर एक पैटर्न देखें तो सिमिलर तरह के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं पॉलिटी में. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द प्रीवियस लेसन एज वेल. बिगनिंग विद दिस लेसन आई नीड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल. एज प्रीलिम्स 2021 इज राउंड द कॉर्नर एंड टाइम इज लिमिटेड, अन अकेडमी हैज कम अप विद न्यू बैचेस फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. You can complete your UPSC CSE preparation with dedicated batch courses starting 21st December 2020. Get your subscription now and get 10% instant discount by using the code SHARMA20. Batches are in Hindi, English and bilingual languages. Complete UPSC CSE preparation is guaranteed on Unacademy Plus by India's top educators. Complete UPSC CSE preparation will be done with structured schedule and test series. India's top educators are teaching on Unacademy Plus. So don't miss the opportunity. Arpita Sharma ma'am is also taking history batches. So use the code SHARMA20 and avail 10% discount. So enroll today. The link for the same is given below the video. Now beginning with 2017's paper. So abhi tak hum log, jaise maine aapko bataya ki hum log 2010 se leke 2016 tak ke jo questions hain, question papers hain, wo discuss kar chuke hain. आज 2017 का पेपर देखते हैं इंडियन पॉलिटी का, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए. फर्स्टली विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री. हमें देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है. सी, अब मिनिस्टर के अलावा जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सारे प्राइवेट मेंबर्स कहलाते हैं, और अगर वो कोई बिल प्रपोज करते हैं पार्लियामेंट में तो दैट बिल इज नोन एज द प्राइवेट मेंबर्स बिल. अब ये जो बिल होता है ये एक मंथ प्रायर नोटिस देकर पेश किया जाता है. मतलब पहले आपको पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा एक महीने पहले कि मैं ऐसा कोई बिल लेके आ रहा हूँ, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में. आज तक अगर देखें तो 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं जो कि बिल्स हैं जो कि पार्लियामेंट में पेश हो चुके हैं सिंस इंडिपेंडेंस. और जो रीसेंट है दैट इज द ट्रांसजेंडर्स बिल 2016 जो अभी भी राज्यसभा में पेंडिंग है. सो अब अगर स्टेटमेंट देखें, प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया. क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, अनलेस ही इज अ मिनिस्टर ही इज अ प्राइवेट मेंबर. रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री, तो ये भी इनकरेक्ट है. क्योंकि हम लोग देख चुके हैं 14 प्राइवेट मेंबर्स जो बिल्स हैं वो ऑलरेडी पास किए जा चुके हैं, और अभी रिसेंट है जो कि स्टिल पेंडिंग है दैट इज द ट्रांसजेंडर्स बिल. एंड द आंसर वुड बी डी, नाइदर वन और टू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ सी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हुआ था. और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, मैसिव चेंजेस किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. जैसे कि अगर आर्टिकल 39A, 43A, 48A की बात करें जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जोड़े गए थे, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हुआ था. 39A प्रोवाइडेड फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, एंड 43A प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वेयर एज 48A डेल्ट विद एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट कंसर्न. तो सीधे सीधे अगर देखें तो द आंसर वुड बी बी, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वाज एडेड टू द टीपीएसपीज ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजंस, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट, द राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, एंड राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजंस अगेंस्ट मेनी. अब अगर हम इनको स्टेटमेंट वाइज देखें, फोर्थ ऑप्शन देखें, तो ऐसा तो नहीं है कि राइट्स सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है हमारी कंट्री में. एवरी इंडियन सिटीजन हैज बीन गिवन सर्टेन अमाउंट ऑफ राइट्स, सो इट इज नॉट गारंटीड ओनली फ्यू सिटीजन अगेंस्ट मेनी, हैज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, दिस इज करेक्ट. वाई?
क्योंकि राइट्स क्या होती हैं, हमें मिलती है अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट. जैसे अगर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, इस तरह की जो राइट्स हैं, या फिर अगर आप देखें राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी या राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की जो राइट्स हैं, दे आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट. सिमिलरली राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट. दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि प्रिविलेजेस नहीं होती, वो तो आप सर्टेन सेक्शंस के लिए राइट्स नहीं देते, बल्कि एक अफर्मेटिव एक्शन होता है स्टेट की तरफ से, दे आर नॉट राइट्स. वेयर एज राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजंस, दिस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट. स्टेट को राइट्स नहीं मिलती है, राइट्स आर टू द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट. हेंस थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट, दैट इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन इन द एक्साइज इन. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्योंकि फेडरलिज्म का मेन डेफिनेशन क्या है, डिविजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द सेंट्रल एंड द स्टेट. अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन की बात करें तो उसके लिए लोकल बॉडीज बनाई जाती हैं, वो विचार पॉलिटिकल एंटिटीज, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए, ताकि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि लोकल बॉडीज के थ्रू आता है. एंड हेंस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the directive principles of state policy constitute limitations upon the legislative functions or the executive functions. Now, the question is, I think ab to bahut easy lagne lage honge aapko questions, but phir bhi let us discuss. Firstly, it limited, sabse pehle question dekho, question mein kya bola hai, it constitutes limitations. So, kya limitations hai ye pehle hame dekhna hai. Directive principles of state policy jo hote hain, they are instrument of instruction. Jo directions hote hain to the state, directions hain, yahan par kahin pe bhi limitations ki baat nahi ki gayi hai. ऐसे ही अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन में, या फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्टेट को कुछ ना कुछ करने से या इंडिविजुअल को कुछ करने से. एंड हेंस फंडामेंटल राइट्स को तो हम कह सकते हैं कि लिमिटेशंस है, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेयरली इंस्ट्रक्शंस, दे आर डायरेक्शंस, दे आर नॉट लिमिटेशंस. और इसलिए अगर फंडामेंटल सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर लिमिटेशन नहीं है तो ना लेजिस्लेटिव पे है ना एग्जीक्यूटिव पे है. हेंस आंसर वुड बी डी, नाइदर वन नॉट टू. Which of the following statements is or are true of the fundamental duties of an Indian citizen? Now see, fundamental duties bhi agar hum dekhe, so they are non-enforceable in the court, they are non-justiciable as well, and can be punished and can be at times punishable if the parliament provides the provision. Jaise agar hum dekhe, incident to National Honours Act banakar parliament ne provide kiya hai ki aap national honours ko insult nahi kar sakte, jaise national flag ho gaya, national anthem ho gaya, is tarah se unko aap उनकी इंसर्ट नहीं कर सकते. तो पार्लियामेंट ने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक लॉ बना दिया. सो अब क्वेश्चन ये है कि इट इज अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू इंपोज द ड्यूटीज. नो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाए ही. ये पार्लियामेंट की अपनी विल है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर वो किसी फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स कराना चाहते हैं तो वो लॉ बनाएंगे. इट इज नॉट मैंडेटरी. दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि लीगल ड्यूटीज मैंडेटरी होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होती. सो आंसर वुड बी डी, नाइदर वन नॉट टू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ. अब देखो, लिबर्टी अगर आपने प्रीएम्बल ध्यान से पढ़ा होगा, प्रीएम्बल आपको अगर याद होगा तो आपको एक क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि जस्टिस तो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोवाइड किया गया है प्रीएम्बल में. फिर लिबर्टी इज स्टेप फोर से याद रखना लिबर्टी को. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ऐसे याद रखना तो आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन आ जाएगा. तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इकोनॉमिक लिबर्टी कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है. एंड हेंस द आंसर वुड बी बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली. सेपरेशन ऑफ पावर्स करेक्ट है. It provides continuity of policy and is more efficient. Correct. The executive remains responsible to the legislature. This is the thumb rule. जो हम जब से पॉलिटी पढ़ रहे हैं तब से कर रहे हैं. Executive is responsible to the legislature and hence the answer would be C. क्योंकि यहाँ पर पूछा है main advantage of parliamentary form of government. तो parliamentary form of government India ने adopt इसलिए की थी ताकि executive responsibility हो सके against the legislature. That is why the main advantage would be executive responsibility or the executive remains responsible to the legislature. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज. राइट्स और ड्यूटीज जो होती हैं, सीधे सीधे से आप एक चीज याद रखिए कि अगर हमारे पास कोई अधिकार नहीं होता तो हम अपनी ड्यूटी भी फॉलो नहीं करते, या हमारे पास अगर ड्यूटीज नहीं होती तो हमारे पास राइट्स होने का भी कोई मतलब नहीं था.
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल एज वेल, क्योंकि अगर हमारे पास कोई अधिकार है तभी हम अपनी ड्यूटी फॉलो कर सकते हैं। हमें कोई कह दे कि आप अपनी ड्यूटी फॉलो करो, आपको कोई राइट नहीं दी जा रही पर आपको ये काम करना है, वो नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हमारे पास राइट्स हैं और अगर हम चाहे हमें कोई कहे कि आपको ये ड्यूटी फॉलो करनी है टुवर्ड्स अ नेशन, तब जाकर हम वो ड्यूटी फॉलो कर सकते हैं इफ वी आर गिवन द राइट्स। सो राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव विद ईच अदर एंड हेंस द फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो द आंसर इज वेरी इजी, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द माइंड्स एंड थॉट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। क्योंकि सीधी सीधी अगर आप देखिए तो जो प्रीएम्बल है उसमें जितनी भी चीजें हैं वही तो आगे जाके डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें देखती हैं। जैसे अगर आप सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें या फिर हम वेलफेयर स्टेट की बात करें तो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की बात करें, सेक्युलरिज्म आप फंडामेंटल राइट में देख सकते हैं, इंटेग्रिटी टू द नेशन, देन डीपीएसपी में आप देख सकते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये हो गई इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की बात हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो गई टू मेंटेन द यूनिटी इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, एंड हेंस द प्रीएम्बल एज अ होल रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज और द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। नाउ सी, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है अगर आपने ये पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो है वो पढ़ा है, अगर आपने लक्ष्मीकांत से या एनसीईआरटी से। फर्स्टली आर्टिकल 75 कहता है कि द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, राइट। सो अब ऐसे ही जो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं विच आर हेल्पिंग द लेजिस्लेचर वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर, या फिर जो जैसे दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में तो एक जो होती है रूलिंग पार्टी होती है एक ऑपोजिशन होता है, तो अब वो लोग सब ढंग से अपने अपने काम करें उसके लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि डिबेट्स और डिस्कशंस किए जा सके। अब इन डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए द मेन सम ऑफ द टूल्स दैट आर प्रोवाइडेड आर द क्वेश्चन आर नो कॉन्फिडेंस मोशन और द एडजर्नमेंट मोशन। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें, जब भी ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है अगर वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए और अगर वो पास हो जाए तो इट इज सेड कि द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन एंड द गवर्नमेंट फॉल्स। वेयर एज अगर क्वेश्चन आर की बात करें तो वो भी इम्पोर्टेंट डिबेट फॉर डिस्कशंस के लिए यूज होता है। सिमिलरली एडजर्नमेंट मोशन भी इसलिए यूज होता है व्हेन कोई अर्जेंट टॉपिक आए या कोई अर्जेंट इम्पोर्टेंस का कोई सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन जरूरी है। Hence, the answer would be 1, 2 and 3 because the Parliament of India exercises control over the functions of Council of Ministers via these three tools. Next is, for the election to Lok Sabha nomination paper can be filed by anyone residing in India, correct. A resident of the constituency from which the election is to be contested, incorrect. This is also incorrect, sorry. Maine galat pad liya tha. It should be any citizen of India. सो एनी वन रिजाइडिंग इन इंडिया कैन नॉट फाइल अ नॉमिनेशन, क्योंकि सिटीजनशिप की अगर देखें तो आपके एनिमी सॉरी जो सिटीजन होते हैं दे आर सिटीजन एज वेल एज एलियन, तो अगर कोई एलियन है तो ही कैन नॉट फाइल अ नॉमिनेशन पेपर फॉर लोकसभा। सिमिलरली एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस इज करेक्ट, क्योंकि अगर आप नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं देन इट शुड बी और यू शुड बिलोंग टू द और योर नेम शुड बी देयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। इलेक्टोरल रोल जो है उनकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 15 में आरपीए के, और ये कहा गया है कि आपका नाम होना इलेक्टोरल रोल में जिसको वोटर लिस्ट भी कहते हैं में जरूरी है। नेक्स्ट इज इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो होता है अगर हम लोकसभा इलेक्शन या जनरल इलेक्शन की बात करें तो, एंड हेंस दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है उसमें जिस तरह से आप जनरल इलेक्शन देखें हम वोट करते हैं और फिर फाइनली जो गवर्नमेंट है वो चुन के आती है। बट द क्वेश्चन इज कि लोकसभा या स्टेट असेंबली में जो विनिंग कैंडिडेट है ही मस्ट गेट एटलीस्ट 50%, इज इट ट्रू? दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि मेजोरिटी वोट होनी चाहिए एटलीस्ट 50%। तो आप फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में अगर देखें तो 50+1 वहां पर वो फॉर्मूला चलता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें द स्पीकर्स पोस्ट वोट्स टू द मेजोरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर्स टू द ऑपोजिशन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। कन्वेंशन है कि यूजुअली क्योंकि मेजोरिटी पार्टी जो है लोकसभा में वो रूलिंग पार्टी होती है या वही रूल करती है तो इसलिए स्पीकर उन्हीं की तरफ से आता है और डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन से आते हैं,
बट ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन एंड हेंस बोथ द आंसर्स वुड बी इनकरेक्ट. राइट टू वोट इन इंडिया, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट. अब आर्टिकल 326 जो है वो सीधे सीधे आपको वोटिंग की राइट देता है कि अगर आपका जो नाम है वो इलेक्टोरल रोल में मेंशन है तो दैट इज कि आप वोट कर सकते हैं एंड हेंस कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल 326 में सीधे सीधे इट इज मेंशन, हेंस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी. इनकरेक्ट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 3-member बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल ऑफ सॉरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल एंड बाई इलेक्शन. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करते हैं, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. द इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट्स और मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. दिस इज ट्रू, क्योंकि जितने भी डिस्प्यूट होते हैं इन कंसर्निंग द पॉलिटिकल पार्टीज दे आर डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन. In India, judicial review implies the power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders, the power of judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislature, the power of judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to the president, the power of judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. अब अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये तो सी, अगर आपने जुडिशियल रिव्यू देखा हो, आर्टिकल 12 पढ़ा हो, सॉरी आर्टिकल 13 देखा हो, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सो जुडिशियल रिव्यू का सीधे सीधे मतलब होता है कि जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है लॉज की, या अगर कोई लॉ है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और द जुडिशियरी, एनी ऑर्गन ऑफ द जुडिशियरी कैन इंटरवीन, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ टू डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और अदरवाइज ऑफ अ लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट. कि अगर कोई कानून पास हुआ है, वेदर इट इज इनकंसिस्टेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, एंड हेंस द आंसर वुड बी ए. क्योंकि जुडिशियरी अगर अपने ही जजमेंट्स को जो पहले दिए हैं उनको रिव्यू कर रही है, दैट इज नॉट बेसिकली दैट इज नॉट जुडिशियल रिव्यू, वो जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होगी. यहाँ पर हुआ कि अगर कोई कानून बन गया है, कानून बनने के बाद अगर उसे चेक करना है, दैट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. बिकॉज एज पर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑल्सो, और या फिर आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जैसे 2017 का ही केस था तमिलनाडु, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई थिंक आई आर कोलो वर्सेज तमिलनाडु केस. तो तमिलनाडु के या आई आर कोलो के केस में ये बताया गया था कि एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एवरीथिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट. द डिसॉल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिसॉल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बिकॉज रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट जो होगा दैट इज नॉट, या अगर सीधे सीधे हम देखें कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेस. आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का जो मैंडेट है वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. इस केस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे आर डिसमिस्ड, बट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इट कैन आइदर बी सस्पेंडेड और कैन बी डिसॉल्व. ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसमिस ही या डिसॉल्व ही कर दी जाएगी. इट कैन आइदर बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व. And hence the removal of council of ministers in a state is incorrect. So the answer would be dissolution of the state legislative assembly and dissolution of local bodies. Because ये तो होते ही है remove, मतलब ये तो mandate ही है. तो यहाँ पर पूछा है not necessarily the consequences. Next is which of the following are envisaged in the right against exploitation in Constitution of India? Prohibition of traffic in human beings, Article 23-24 में आता है right against exploitation. Abolition of untouchability, right to equality, Article 17. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है. एंड प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन और द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. एंड हेंस द आंसर वुड बी, नाउ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट कैन बी द आंसर. पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. दिस इज हाउ यू विल बी मोर फ्लेक्सिबल विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा. इसलिए पॉज कीजिए वीडियो को और फिर आंसर चेक कीजिए. सो द आंसर वुड बी 1 एंड 4 ओनली. नेक्स्ट इज
out of the following statements, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. An arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out satisfaction. This is incorrect. Mechanism for speeding up the activities of government whose responsibilities are increasing day by day. Mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. This is correct. Executive is responsible to the legislature. Which one of the following is not a feature of Indian federalism? There is an independent judiciary in India. Powers have been clearly divided between center and states. The federating units have been given unequal representation in Rajya Sabha. It is a result of an agreement between federating units. India hai, United States of India nahi hai. Aur isiliye it is, yeah, jo states hai, they are destructible unions of, destructible of an indestructible union. Bahut sare states milkar yahan par India nahi bana hai. Jo states hai, wo puri union ko form karte hai. Union hai, usme bahut sare states hai. Ye jo union hai, ye indestructible hai. इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब कि इस संघ को आप नहीं तोड़ सकते. और अगर स्टेट्स की बात करें, उनको हम छोटे छोटे, जैसे अभी आपने देखा एपी तेलंगाना बनाया गया, गुजरात महाराष्ट्र सेपरेशन हुआ था, पंजाब हरियाणा, तो स्टेट्स तो डिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट्स आप अलग अलग बना सकते हैं, पर आप भारत एज अ होल, भारत को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है स्टेट्स के बीच में. वी आर अ फ्रेटर्निटी, वी आर बाउंड बाय अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. तो हम लोग साथ में किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, अपने मॉरल ऑब्लिगेशंस की वजह से साथ में जुड़े हुए हैं. बिकॉज वी आर अ फ्रेटर्निटी, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन भी है दैट वी आर अ फ्रेटर्निटी. सो दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स, हेंस इट इज अ रिजल्ट, इट इज नॉट अ रिजल्ट. सो द आंसर ऑप्शन डी वुड बी इनकरेक्ट. थैंक यू.